अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो आर पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। महोदया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया। उस संविधान के तहत भारत देश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी फिलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो एसटी में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी के हैं, क्यों ना निगोसिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे, और जल्द से जल्द, जैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पास किया लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। धन्यवाद। महाराष्ट्र के ताजा बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे टीव्ही। सोबतच शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि हां, बेल आयकॉन प्रेस करा।